हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? दोस्तों, आपके लिए सबसे बड़ी खुशी की बात, आपका महंगाई भत्ता बढ़ा दिया गया है दोस्तों, और दीपावली का इससे अच्छा तोहफा आपके लिए हो नहीं सकता। 12% आपको महंगाई भत्ता जो मिलता था, अब मिलेगा 20% दोस्तों। तो आपके लिए ये सबसे ज्यादा खुशी की बात है, बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। चलें पूरी न्यूज देख लेते हैं। बात करेंगे एक बड़ी खबर के साथ, और सबसे पहले बात शिवराज सरकार की उस घोषणा की जिसने कर्मचारियों को एक बड़ा तोहफा दिया है। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। दरअसल सेवेंथ पे कमीशन, सातवें वेतनमान के तहत मध्य प्रदेश के कर्मचारियों के डीए में 8% की वृद्धि की गई है। इसके साथ ही शासकीय कर्मचारियों को दिवाली से पहले ये बड़ी सौगात शिवराज सरकार की तरफ से मिली है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसका ऐलान किया है। अक्टूबर 2021 के वेतन से जुड़कर ये मिलेगा, नवंबर 2021 के वेतन में जुड़कर आएगा। महंगाई भत्ता 8% बढ़ाया है। बता दें आपको, कर्मचारी लंबे समय से इसकी मांग कर रहे थे। प्रदेश के सभी शासकीय सेवकों का महंगाई भत्ता 8% बढ़ाया जाएगा। शासकीय सेवकों को ये बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता नवंबर 2021 में भुगतान होने वाले अक्टूबर 2021 के वेतन में जुड़कर मिलेगा। देश के सभी शासकीय सेवकों को 20% महंगाई भत्ता दिया जाएगा। सभी शासकीय सेवकों को ये बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता नवंबर 2021 में भुगतान होने वाले अक्टूबर 2021 के वेतन से जुड़कर मिलेगा। कोरोना काल में राज्य की वित्तीय स्थिति बुरी तरह प्रभावित होने के कारण वेतन वृद्धि का फैसला भी हमने स्थगित किया था। अब राज्य सरकार ने यह फैसला किया है कि इस लंबित वेतन वृद्धि का 50% हम नवंबर 2021 में भुगतान होने वाले अक्टूबर 2021 के वेतन के साथ देंगे, और लंबित वेतन वृद्धि का 50% हिस्सा, शेष 50% राशि मार्च 2022 में भुगतान होने वाले फरवरी 2022 के वेतन के साथ भुगतान की जाएगी। मैं अपने सभी कर्मचारी भाई और बहनों को दीपावली की शुभकामनाएं भी देता हूं।